रेजुडिकेटर में फर्स्ट एलिमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था, ये दो मुकदमे होने चाहिए, एक का नाम जो फार्मर सूट और दूसरे का नाम सब्सिक्वेंट। दूसरा एलिमेंट हमने टेकअप किया था कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू होना चाहिए। यहाँ वर्ड इशू लिखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डिनोट करता है कि रेस जुडिकेटा हमेशा इशू टू इशू लगेगा, पूरे मुकदमे के संदर्भ में नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है जो आपके सेक्शन 11 के बेयर प्रोविजन से रिफ्लेक्ट होती है। रेस सब जुडिस आपने क्या देखा? रेस सब जुडिस में सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट होता था। अगर वो सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है तो क्या होगा? अगर उसी सब्जेक्ट मैटर पर दूसरा मुकदमा आता है तो बाद वाले मुकदमे की सुनवाई रोक दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहां हम लोग जो बात करेंगे वहां पूरे मुकदमे की बात नहीं करेंगे बल्कि इशू की बात करेंगे। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू व्हिच हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फार्मर सूट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। और यहां इशू टू इशू जो है वो क्या होता है? रेस जुडिकेटा लगता है। अब इसका तीसरा कंपोनेंट आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंपोनेंट, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? ये जो है पार्टी सेम होनी चाहिए। पार्टीज अगर बदल गई तो क्या हो जाएगा? रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अगर बदल गई इसका मतलब मुकदमा बदल गया। पार्टीज बदलने का मतलब क्या हुआ? मुकदमा ही बदल गया। और जब मुकदमा बदल गया तो क्या होगा? रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पार्टीज मस्ट बी सेम। इसमें दो वर्ड आपको मिलेंगे बेयर एक्ट में, एक तो पार्टीज मस्ट बी सेम और दूसरा वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रीबीज। जो बेयर एक्ट का प्रोविजन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है कि आइदर पार्टीज मस्ट बी सेम और द पर्सन एग्जैक्ट वर्ड अभी आपके सामने रख देते हैं, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। हियर नो कोर्ट शैल ट्राई एनी इशू और द सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज आगे or between the parties under whom they or any of them claim, क्या मतलब है इसका? Either between the same party or दूसरा वर्ड क्या है? Or between the parties under whom they or any of them claim। इसको हम लोग टेक्निकल शब्द में कहते हैं प्रीवीज। या तो पार्टी सेम हो या जो पार्टी अपना दावा कर रही हो वह किसके पर आधारित हो? पहले वाले पार्टीज पर, ठीक है। रेस जुडिकेटा तभी लागू होगा, अदरवाइज रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें अगर आप देखें, मान लीजिए दो मुकदमे हैं, एक फार्मर सूट है जिसमें ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, पार्टीज मान लीजिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इसमें है, ठीक है। अगर दूसरा मुकदमा है जिसमें भी यही प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पार्टीज है, सेम है, रेस जुडिकेटा लग जाएगा। अगर सेम नहीं है तो मान लीजिए यहां पर पार्टी एक्स और वाई हो गए, रेस जुडिकेटा लगेगा कि नहीं?
कहा गया ये कब लगेगा रेस जुडिकेटा, अगर ये लोग अपना क्लेम प्रीवियस पार्टीज पर आधारित करते हैं, बेस करते हैं। ये जो क्लेम कर रहे हैं राइट, यहां ये राइट किसके आधार पर क्लेम कर रहे हैं, बेसिस क्या है, प्रीवियस पार्टीज पर। मान लीजिए इसमें कोई प्रॉपर्टी जो है लिटिगेटेड थी, पी कह रहा प्रॉपर्टी उसको दिलाई जाए, डी कह रहा ये हमारी प्रॉपर्टी है, लिटिगेशन हुआ, ठीक है, डिसीजन हो गया। फिर दोबारा जो है एक्स और वाई मुकदमा लाते हैं, और एक्स कौन है, ये मान लीजिए पी का ही एयर है, उत्तराधिकारी, और वाई कौन है, मान लीजिए परचेजर है, किसका, ये डी से इसने प्रॉपर्टी परचेज की। अब लिटिगेशन क्या हुआ, सेम हो गया, क्योंकि पार्टी जो दावा कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, वो किस पर बेस है, वो प्रीवियस पार्टी पर बेस है। ये कह रहा हम रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी पी की थी तो ये क्लेम कर लेगा। ये कह रहा हम परचेजर हैं, इसकी भी बेसिस क्या है, डी पर है, तो ये मुकदमे में ऑलरेडी निर्णय हो चुका है, केवल पार्टी बदल गई, लेकिन पार्टी अपना क्लेम जो है प्रीवियस पार्टीज पर बेस कर रही है, इसलिए इस पर क्या लग जाएगा, जुडिकेटा ऑपरेट हो जाएगा। एनी डाउट? अब इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन पर हम बात करेंगे, कभी कभी वो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों से डिजायरस होते हैं कि आप लोग इसका जवाब देंगे। क्या टेक्निकल क्वेश्चन है, कौन माना जाएगा कि पार्टी है? देखिए पार्टीज में बड़ा सीधा सा है, जिसका नाम ऑन रिकॉर्ड होता है उसे पार्टी माना जाता है। ऑन रिकॉर्ड माने जिसका नाम प्लेट पर है, जिसका नाम रिटन स्टेटमेंट पर है, वो पार्टी हुआ, बड़ी सीधी सी बात। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोगों का नाम रिकॉर्ड से स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। स्ट्रक डाउन कौन करता है, कोर्ट। तो अगर कोई व्यक्ति जो पार्टी था लेकिन उसका नाम स्ट्रक डाउन कोर्ट ने कर दिया, तो कहा गया कि वो अब पार्टी नहीं है, रेस जुडिकेटा उसके ऊपर लागू नहीं। दूसरा ये होता है कि कभी कभी कुछ लोग ये प्लीड करते हैं कि उन्हें, इसको कहते हैं इम्प्लीडिंग, वो इम्प्लीड करते हैं, क्या इम्प्लीड करते हैं, उन्हें भी पार्टी बना दिया जाए, अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो पार्टी माने जाएंगे, अगर कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तो क्या होगा, वो पार्टी नहीं माने जाएंगे, उन्हें ऑन रिकॉर्ड पार्टी नहीं माना जाएगा। और स्पेशल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता माइनर, अगर माइनर मुकदमे में है तो क्या पार्टी माना जाएगा, माइनर अगर मुकदमे में है तो वो मुकदमा नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन के द्वारा लाया जाना चाहिए, तभी वो ऑन रिकॉर्ड पार्टी माना जाएगा। अगर वह माइनर नेक्स्ट फ्रेंड द्वारा या गार्जियन के द्वारा, अच्छा नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन में क्या अंतर है, ऐसे बोलोगे तो हमको कुछ समझ नहीं। अच्छा इनका उत्तर यह है कि 21 में गार्जियन अपॉइंट होगा, और 21 से लेस हो गया तो नेक्स्ट फ्रेंड, और कोई उत्तर, हाँ बोलिए। राज्य में सपोर्टेड बाय द कोर्ट, रेस नेक्स्ट फ्रेंड इज चूजन बाय द माइनर। नहीं बट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड का क्वेश्चन वहां उठता है जहां प्लेट फाइल होता है, बड़ा फंडामेंटल। अगर माइनर को प्लेट फाइल करना है तो माइनर प्लेट कैसे फाइल करेगा, थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। तो नेक्स्ट फ्रेंड कहां लगता है, जहां पर माइनर प्लेंटिफ, और माइनर अगर डिफेंडेंट है तो वहां कोर्ट अपॉइंट करती है और उसका नाम क्या होता है, गार्जियन। तो जहां पार्टी में माइनर डिफेंडेंट है गार्जियन, अगर माइनर प्लेंटिफ है तो नेक्स्ट फ्रेंड। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये सब अपने दिमाग में जमाए रखिएगा, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आवश्यक है।
नहीं तो पता लगा आप नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन आपने एक ही में चिपका दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपके। नेक्स्ट फ्रेंड प्लेंटिफ, अगर माइनर प्लेंटिफ है नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू प्लेंट फाइल होगा। अब ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल, ठीक है वो ऑप्शनल तो है, वो जिसे चाहे वो चुनेगा नेक्स्ट फ्रेंड, लेकिन कोर्ट एक्सेप्ट करेगी तभी वो नेक्स्ट फ्रेंड होगा। क्यों, अभी अगर आप जो है माइनर के द्वारा सूट अगर प्रोविजन पढ़ेंगे, वो प्रोविजन है ऑर्डर 32, ऑर्डर 32 में जो है सूट बाय द गार्जियन बाय द माइनर, और उसमें ये लिखा हुआ प्रोविजन है नेक्स्ट फ्रेंड है तो उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट माइनर के इंटरेस्ट के एडवर्स नहीं है। अगर एडवर्स है नेक्स्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली कोर्ट अप्रूव करती है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो कौन से व्यक्ति पार्टी माने जाएंगे रेस जुडिकेटा के लिए, जिनका नाम रिकॉर्ड पर है। दूसरा कौन सा व्यक्ति जिसका नाम कोर्ट ने बाद में इम्प्लीट किया है। अगर किसी का नाम, किसी पार्टी का नाम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया तो पार्टी नहीं माना जाएगा रेस जुडिकेटा के लिए। और इसी तरह से अगर माइनर है तो माइनर पार्टी कब माना जाएगा, जब वो रिप्रेजेंट हुआ हो या तो नेक्स्ट फ्रेंड से या गार्जियन से, अदरवाइज वो पार्टी नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग सेम पार्टी पढ़ाते हैं तो मोस्टली एक्सप्लेनेशन 6 जो है वह एक अनअवॉइडेबल इविल है, उसे जरूर डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन 6, क्या एक्सप्लेनेशन 6 है, पहले हम शब्दों में बाद में जाते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन 6 की थीम बताते हैं। एक्सप्लेनेशन 6 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बोनाफाइड तरीके से मुकदमा लड़ता है, या तो पब्लिक राइट के संदर्भ में या प्राइवेट राइट के संदर्भ में, जिसमें उसका इंटरेस्ट और लोगों का इंटरेस्ट कॉमन है, तो अगर कोई डिसीजन दिया जाता है तो यह केवल उन्हीं पर बाध्यकारी नहीं होगा जिनका नाम रिकॉर्ड पर है, बल्कि उन लोगों पर भी बाध्यकारी होगा जिनका नाम रिकॉर्ड पर नहीं है लेकिन जिनका इंटरेस्ट मुकदमे में है। और सबसे बढ़िया इसका उदाहरण राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं भाई, इनडिफिनिट पर्संस, इननंबरेबल पर्संस, इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब रेस जुडिकेटा अगर यहां नहीं लगेगा तो अगर अलाउ कर दिया जाए तो क्या होगा, लाखों लाख मुकदमे चलेंगे। इसलिए हिंदू कम्युनिटी के बिहाफ पर हिंदू एक्शन कमेटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ पर मुस्लिम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ये कमेटी बनी है, और ये दोनों कमेटियां क्या है, मुकदमा लड़ रही हैं सभी कम्युनिटी के बिहाफ पर। क्या सभी का नाम है, सभी का नाम नहीं है, लेकिन इसमें राइट जो इन्वॉल्व है वो क्या है, पब्लिक राइट इन्वॉल्व है। और अगर मुकदमा सद्भावना से लड़ा जाता है, ये बहुत जरूरी है, मुकदमा कैसे लड़ा जाना चाहिए, सद्भावना से, और अगर इसमें कोई डिसीजन हो गया तो डिसीजन क्या होगा, रेस जुडिकेटा के रूप में उन लोगों के ऊपर भी लागू होगा जो लोग मुकदमे में पार्टी नहीं है लेकिन उनका इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में है। अगर ऐसा न किया जाए तो क्या होगा, क्या डिसीजन हो पाएगा, एक डिसीजन आप देंगे दूसरा आदमी जो है, दूसरा पार्टी जो है फिर उसी पर मुकदमा लाएगा, बाढ़ क्या हो, कोर्ट ही बह जाएगी। वैसे भी आजकल आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मैं ये मुद्दा उठा था कि हाई कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, और इस पर और अटॉर्नी जनरल पर काफी बहस हुई, ठीक है। नंबर ऑफ कोर्ट्स तो वैसे भी कम है,
नंबर ऑफ लिटिगेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन न इम्पोज की जाए तो जितनी आपके यहाँ मुकदमे हैं उसके कई गुना और मुकदमे आ जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन सिक्स, इसके पीछे जो इंटेंशन लेजिस्लेचर की छुपी हुई है वो इंटेंशन क्या है, मुकदमों को कम किया जाए, टू मिनिमाइज द लिटिगेशन। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेक्शन सिक्स विल बी इन ऑपरेशन। अब सेक्शन सिक्स की हम लैंग्वेज पर आते हैं, सॉरी सेक्शन का है एक्सप्लेनेशन, वेयर ए पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे गए हैं, वेन ए पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड, मुकदमा कैसे होना चाहिए, लिटिगेशन बोनाफाइड होना चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट, किसके संदर्भ में, पब्लिक राइट के संबंध, और ऑफ ए प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स, या प्राइवेट राइट के बारे में मुकदमा होना चाहिए जिसमें पक्षकारों ने जो क्लेम किया है उनका भी क्लेम है और अन्य लोगों का भी क्लेम है। ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट हैव फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेट, जिनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट मैटर में है, उस मुकदमे में है, उन सबको क्या माना जाएगा, उन सबको मान लिया जाएगा कि वो सभी पार्टीज़, रस जुडिकेटा उन पर अप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तीन टर्म आते हैं, जरा ध्यान में रखिए, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेशन सिक्स रस जुडिकेटा। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम रिकॉर्ड पर नहीं है उनके ऊपर भी डिसीजन अप्लाई करता है। इसी से मिलता जुलता एक प्रोविजन है जिसको हम लोग सीपीसी में रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं। प्रोविजन क्या है, ऑर्डर वन रूल एट, नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सूट, ऑर्डर वन रूल एट। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में कहा गया है, दोनों में अंतर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सूट और जो है एक्सप्लेनेशन जो सिक्स है, कोई अंतर है दोनों में? क्योंकि ऑर्डर और रूल एट में क्या कहा गया, अगर एक मुकदमे में बहुत सारे पक्षकार हैं, ठीक है, चाहे प्लेंटिव के रूप में चाहे डिफेंडेंट के रूप में, उनमें से कुछ ही पक्षकार न्यायालय से यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें अलाउ किया जाए कि वो सभी के बिहाफ पर मुकदमा लड़े या सभी के बिहाफ पर मुकदमे का वो डिफेंड करे, या न्यायालय डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है, या डायरेक्शन दे सकती है कुछ ही लोग सभी के बिहाफ पर मुकदमा लड़े। इसमें दोनों वर्ड है, ऑर्डर एट सॉरी ऑर्डर वन रूल एट में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये पहला क्लास होगा, दूसरा क्लास विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर वन रूल एट राइट टू रीड आउट। इसमें दोनों आपको प्रोविजन मिलेंगे, आइदर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट फ्यू पर्सन में फाइल द सूट और सॉरी में कंडक्ट द सूट और में डिफेंड द सूट, और दूसरा क्लास है द कोर्ट में डायरेक्ट दैट फ्यू पर्सन शुड बी अलाउड टू कंडक्ट द सूट और टू डिफेंड द सूट। ठीक है, ऑर्डर एट सॉरी ऑर्डर वन रूल एट कहां अप्लाई करता है, जहां मुकदमों में पक्षकारों की संख्या वहां न्यायालय क्या करती है, खुद ही डायरेक्शन दे देती है, जैसे राम जन्मभूमि वाला विवाद, यहां पक्षकारों की संख्या क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा, अगर उनको जो है अलाउ कर दिया जाए और कोर्ट में वो अपीयर हो जाए तो कोर्ट क्या होगी, कोर्ट तो काम ही नहीं कर पाएगी, वहां जगह ही नहीं बचेगी, कोर्ट क्या काम करेगी,
सारे हिंदू सारे मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो जाए, काम होगा, हो चुका। इसलिए वहां पर कोर्ट क्या करती है, डायरेक्शन देती है। लेकिन आपके परिवार का मुकदमा है, कुछ लोग यहाँ विद्यार्थी बैठे होंगे, उनके परिवार में मुकदमा चल रहा होगा प्रॉपर्टी का, और उनका नाम भी होगा रिकॉर्ड, लेकिन उनको हर तारीख पर जाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके बिहाफ पर उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने परमिशन ले लिया कोर्ट से कि हम इनके बिहाफ पर मुकदमा लड़ेंगे, और अगर कोर्ट ने परमिट कर दिया तो आपको हर डेट पर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पढ़ाई क्या करेंगे, हर डेट पर आप मुकदमा ही लड़ते रह जाएंगे। तो ये दोनों वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर वन रूल एट, और ये आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या कहता है कि जहां पर अगर मुकदमा जो लिटिगेट किया जाता है वो बोनाफाइड लिटिगेशन है, सद्भावना से मुकदमा लड़ा जा रहा है, किसके संदर्भ में, पब्लिक राइट के संदर्भ में या प्राइवेट राइट के संदर्भ में, जो कि उनके बीच और अन्य व्यक्तियों के बीच कॉमन है, ठीक है। तो यहां जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें जो पार्टी होते हैं वो गिनती के होते हैं, देखिएगा। और एक्सप्लेनेशन सिक्स में पार्टी गिनती के नहीं होते हैं, क्या लिखा गया है, वो सारे लोग जिनका मुकदमे में इंटरेस्ट है, क्या लिखा गया, उनका नाम रिकॉर्ड पर होना चाहिए। ये फंडामेंटल डिफरेंस है ऑर्डर वन रूल एट में और एक्सप्लेनेशन सिक्स, ठीक है। तो ये अंतर अपने दिमाग में रखिएगा, ऑर्डर वन रूल एट कहां लगेगा, जहां पर पक्षकारों की संख्या गिनती की होती है, और वही पक्षकार या तो न्यायालय से परमिशन लेते हैं या डायरेक्शन लेते हैं कि उन्हें सभी के बिहाफ पर मुकदमा लड़ने के लिए एथराइज किया जाए। प्राइवेट डिस्प्यूट में मोस्टली होता है, इसको हम लोग गांव के साथ भाषा में क्या मानते हैं, मुख्तारनामा। अगर आपने मुख्तारनामा दे दिया, मुख्तारनामा माने किसी को एजेंट बना, वो आपके बिहाफ पर मुकदमा लड़ेगा और जो भी डिसीजन उसमें होगा वो आपके ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन है मुख्तारनामा के, और ऑर्डर वन रूल एट क्या है, मुख्तारनामा ही है। अगर हम एथराइज कर दिए अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने दोस्त को कि तुम हमारे बिहाफ पर मुकदमा लड़ो, तो कल को कोई डिसीजन होगा तो वह डिसीजन हमारे ऊपर भी उसी तरह लागू होगा जैसे कि उन लोगों पर जिन लोगों ने वास्तव में मुकदमा लड़ा है, ठीक है। यहां एक्सप्लेनेशन सिक्स क्या कहता है कि मुकदमे में वह पार्टी नहीं भी है, उनका नाम नहीं भी है, तो भी डिसीजन उन पर लागू होगा, किन पर, जिनका इंटरेस्ट मुकदमे में है। देखिए दोनों में बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। अब एक तीसरी बात और उठती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम सुना होगा, क्या होता है पीआईएल भाई, अरे किसी मुकदमे के लिए पिटीशन डाल, जहां पब्लिक इंटरेस्ट सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट है उस पे हम लोग कोई पिटीशन डाल सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, पहले तो आप एक डॉक्ट्रिन का नाम जानते होंगे, कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई माने जिसका लोकस होता है वही मुकदमे में पार्टी बनता है, ये फंडामेंटल है। इंडियन लीगल सिस्टम में जितने भी मुकदमे चलते हैं वहां पर मुकदमा कैसे चलेगा, जब पार्टी का लोकस स्टैंडाई, अगर लोकस नहीं है तो, मान लीजिए अगर हम चाहें कि हम किसी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दें जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता, लोकस स्टैंडाई। और लोकस स्टैंडाई का ही एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये फंडामेंटल अपने दिमाग में बैठाइएगा। इंडियन लीगल सिस्टम में
हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें लोकस स्टैंडाई बहुत महत्वपूर्ण है। लोकस स्टैंडाई माने पार्टी वही बनेगा जिसका लोकस हो, मुकदमे में वो पार्टी नहीं बन सकेगा जिसका कोई लोकस हो ही नहीं, ठीक है। तो इसको जो है इसका अपवाद पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कौन मुकदमा दायर करता है? कोई भी आदमी, एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल। स्पिरिटेड माने क्या होता है, ये बड़ा दिक्कत है ना। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ जो है डाउन ट्रॉडन क्लास के लिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है। वो किस लिए मुकदमा लड़ रहा है? वो उनके लिए मुकदमा लड़ रहा जो मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं फाइनेंशियली कमजोर होने के कारण। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिफरेंट कंसेप्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वह व्यक्ति मुकदमा दायर करता है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि नहीं। आप देखें जितने भी एशियाड गेम वाला या जितने भी आपने केसेस देखे होंगे जिन वकीलों ने मुकदमा लड़ा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। मेहता का केस है, एक दो मेहता के केस नहीं है, इन्वायरमेंट पर तो कई मेहता के केस मिलेंगे, 1, 2, 3 पता नहीं कितना किस किस नाम से। मेहता का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुकदमे में, हुआ जो है दूसरे के बिहाफ पर मुकदमा लड़ता है। क्यों? क्योंकि वह लोग अपना मुकदमा स्वयं नहीं लड़ पाते, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको एक्सप्लेनेशन 6 में रखा जा सकता है? क्यों भाई, रेस जुडिकेटा लगेगा कि नहीं लगेगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 100% एक्सप्लेनेशन 6 में फिट होता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो दिया जाएगा, ठीक है, उन लोगों पर बाध्यकारी होगा जिनका मुकदमे में इंटरेस्ट है, चाहे भले ही वो पार्टी हो या ना। क्लियर, आगे बढ़े। अब तो एक चीज और इसमें बड़ा जरूरी है, इसके बगैर जो है ये डिस्कशन अधूरा रह जाता है। हम एक करते हैं, टेक्निकल वर्ड है, रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट, रेस जुडिकेटा बिटवीन को प्लेंटिफ एंड प्रो फार्मा डिफेंडेंट। तीन वर्ड और हैं जिन पर की डिस्कशन जरूरी है। रिपीट कर रहा हूं, रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट, को माने साथ साथ, एक ही मुकदमे में दो आदमियों को डिफेंडेंट बनाया गया, अगर कोई डिसीजन होगा तो क्या वह जो है रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा? क्योंकि डिफेंडेंट तो दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहां है? मुकदमा किसके किसके बीच में होता है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होती है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। उस कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों आर्गुमेंट करते हैं, उन्हें सुना जाता है और तब निर्णय लिया जाता है। मेरिट पर होना भी जरूरी है डिसीजन, मेरिट पर है तभी रेस जुडिकेटा लगेगा, मेरिट पर नहीं है तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तीन टर्मिनोलॉजी है। पहला, रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट, ठीक है। क्या होता है जनरल अगर देखें तो डिफेंडेंट का इंटरेस्ट प्लेंटिफ के विरुद्ध होता है। डिफेंडेंट अगर एक से ज्यादा है तो उनका आपसी कंफ्लिक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन अगर उनका आपसी कंफ्लिक्ट है तो क्यों? और उस कंफ्लिक्ट पर निर्णय दिया जाना जरूरी है, किस लिए?
प्लेंटिफ को रिलीफ दिलाने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफेंडेंट को के बीच निर्णय किया जाना, कंफ्लिक्ट है उस पर निर्णय किया जाना जरूरी है, किस लिए? प्लेंटिफ को रिलीफ दिलाई जाए. ठीक है, और न्यायालय ने अगर डिसीजन उन दोनों के बीच में दे दिया है तो क्या होगा? यह रेस जुडिकेटा के रूप में अप्लाई करेगा. अगर आपके सामने उदाहरण रख दें तो बहुत क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए दो आदमी हैं जिनके नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ. ठीक है, आप क्या है, आप बगल से गुजर रहे थे, उन दोनों के नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हुआ और आप उसके चपेट में आ गए. क्लियर, अब आपको क्या चाहिए? कंपनसेशन. आपने मुकदमा दायर कर दिया, आपको क्या पता कौन नेग्लिजेंट है? आपको, आपने देखा दोनों एक तरफ से, एक तरफ से ट्रक आ रहा, दूसरी तरफ से कार आ रही है, दोनों लड़ गए. आप बगल से जा रहे थे, क्या हुआ? कुछ गट्ठर आपके ऊपर गिर गया या कोई चीज वहां से निकली आपके ऊपर जो है वो आपको इंजर्ड कर गई, आपको कंपनसेशन चाहिए. ठीक है, आपको कुछ पता है कौन इसमें नेग्लिजेंट था? आपने क्या किया? एक ही मुकदमे में दोनों पार्टी कर दिया. ठीक है, अब दोनों कहते हैं, वह कहता है हम नेग्लिजेंट नहीं थे, दूसरा कहता हम नेग्लिजेंट नहीं थे. कंफ्लिक्ट कहां आया? कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट, दोनों डिफेंडेंट के बीच में आया कंफ्लिक्ट. एक कह रहा हम नेग्लिजेंट नहीं है, दूसरा कह रहा हम नेग्लिजेंट. तो पहले कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन दिलवाने के पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि नेग्लिजेंट कौन था. जब वो डिटरमिन हो जाएगा तब ये डिटरमिनेशन होगा कि कितना कंपनसेशन दिलवाया जाए. और अगर कोर्ट ने ये डिटरमिन कर दिया कि वो नेग्लिजेंट था, उनमें से दोनों में से एक डिफेंडेंट कोई भी, तो ये डिसीजन क्या होगा? ये रेस जुडिकेटा के बीच में उन दोनों के विरुद्ध भी ऑपरेट करेगा. वो दूसरा मुकदमा ला नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि हम नेग्लिजेंट नहीं थे साहब, गलत डिसीजन दिया गया, अपील में जाइए. दूसरा मुकदमा आप नहीं ला सकते. इसको हम लोग कहते हैं रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट. क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है कि डिफेंडेंट के बीच में कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होना चाहिए. देयर मस्ट बी कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इन बिटवीन डिफेंडेंट. प्रतिवादियों के बीच कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, विरोधी हित होना चाहिए, पहला. दूसरा, इस विरोधी हित पर निर्णय दिया जाना जरूरी है. क्यों? इसलिए कि वादी को रिलीफ दिलाई जा सके. डिफेंडेंट के बीच जो कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है इस पर निर्णय दिया जाना जरूरी है. क्यों? इसको डिटरमिन किया जाना जरूरी है, किस लिए? जिससे कि प्लेंटिफ को रिलीफ दिलाई जा सके. और तीसरा, न्यायालय ने इस कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पर, डिफेंडेंट के कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पर निर्णय दे दिया. ठीक है, तीन एलिमेंट तो बहुत जरूरी है, चौथा एलिमेंट और है. डिफेंडेंट क्या होने चाहिए? नेसेसरी पार्टी. डिफेंडेंट जितने भी हैं वो क्या होने चाहिए? नेसेसरी पार्टी, आवश्यक पक्षकार होने चाहिए. अगर वो आवश्यक पक्षकार नहीं है, वैसे ही डिफेंडेंट बना दिया है, रेस जुडिकेटा नहीं लागू होगा. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रो फार्मा डिफेंडेंट. क्लियर? तो इसको हम लोग कहते हैं रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट. नेसेसरी पार्टी माने जरूरी पक्षकार, जरूरी पक्षकार माने बिना उनके मुकदमा चलाना ही बेकार. बिना, देखिए, एक प्लेंटिफ क्या अकेले हम मुकदमा चला सकते हैं? प्लेंटिफ ने मुकदमा दायर किया तो डिफेंडेंट क्या होना चाहिए?
डिफेंडेंट होगा तभी मुकदमा चलेगा कि खाली प्लेंटिफ से मुकदमा चला लेंगे, नहीं चलेगा। डिफेंडेंट होना जरूरी है, और डिफेंडेंट माने एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां डिफेंडेंट नेसेसरी पार्टी, नेसेसरी माने बिना उनके मुकदमा नहीं चला सकता, ठीक है। एक इसका दूसरा उदाहरण है हिंदू लॉ पर। एक मुकदमे में तीन भाई हैं, ए बी और सी। ए और बी ने मुकदमा दायर किया, सी ने नहीं मुकदमा दायर किया। ए और बी ने मुकदमा दायर किया, रिवर्सनर्स हैं। रिवर्सनर्स माने पहले विडो का कंसेप्ट था, विडो जो प्रॉपर्टी पाती थी वो लिमिटेड ओनर होती थी, और उसके मरने के बाद फिर प्रॉपर्टी कहाँ चली जाती थी, उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सनर्स, उत्तर भोगी। उत्तर भोग, उत्तर माने बाद में, भोगी माने जो भोगेंगे प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सनर। इसमें तीन रिवर्सनर्स थे, ए बी सी, जिन्हें प्रॉपर्टी विडो के मरने के बाद मिलनी थी। विडो ने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी बेच दी। ए और बी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए मुकदमा दायर किया, किसके खिलाफ, परचेजर के खिलाफ। मान लीजिए ए बी और टी सी, ये तीन रिवर्सनर है, इसमें ए और बी ने मुकदमा दायर किया किसके खिलाफ, परचेजर के खिलाफ। परचेजर ने प्रॉपर्टी कहां से ली थी, डब्ल्यू से खरीदी, ठीक है। मुकदमा दायर हुआ, कोर्ट ने कहा भाई ए और बी ठीक है आप तो हैं, लेकिन सी को भी जोड़ा जाना जरूरी है, बिना सी को जोड़े ये मुकदमा कंप्लीट। उसने क्या किया, सी को डिफेंडेंट बनाया। अब नेसेसरी पार्टी माने समझिएगा, यहां बिना सी को जोड़े ये मुकदमा पूरा नहीं हो रहा था, क्यों, सी भी रिवर्सनर था, ठीक है। अब सी को भी यहां मुकदमा इसमें डाल दिया गया, मुकदमे में डिक्री हो गई ए बी के फेवर में। क्या, विडो ने जो प्रॉपर्टी बेची वो लीगल नेसेसिटी वहां नहीं थी, विदाउट लीगल नेसेसिटी प्रॉपर्टी उसने बेच दी, मुकदमा डिक्री हो गया, और ए और बी ने अपना पोजेशन जो है ले लिया। अब सी जो है दूसरा मुकदमा दायर कर रहा है, किसके खिलाफ, परचेजर, किस लिए, कि जो बचा हुआ हमारा हिस्सा है वो भी तो इसमें तो डिक्री हो गई, तुम्हारा जो है वो डिक्लेयर हो चुका है कि तुमने जो ट्रांजेक्शन किया था वो विदाउट लीगल नेसेसिटी था, इसलिए ट्रांजेक्शन इनवैलिड है। कोर्ट ने कहा ना अब तो डिसीजन एक बार हो गया, अब दूसरा मुकदमा रेजुडिकेटर के द्वारा क्या हो जाएगा, बार्ड हो जाएगा, क्यों, यू आर द नेसेसरी पार्टी, आपको कोर्ट ने जोड़ा है, क्यों, बिना आपके मुकदमे में निर्णय नहीं हो पा रहा, आप नेसेसरी पार्टी हो गए, ठीक है। नेसेसरी पार्टी का दूसरा एग्जांपल होता है, मान लीजिए अगर आप चार भाई हैं, विल का मामला है, एक भाई दुखी है, वो खाता हमको विल में कम प्रॉपर्टी मिली, क्या करेगा, मान लीजिए उसको अगर जो है ये लगता है कि विल में प्रॉपर्टी उसे कम मिली है, तो वह अपने दूसरे भाई जिसको लग रहा है कि ज्यादा प्रॉपर्टी मिली है उसके खिलाफ मुकदमा ला सकता है। बाकी दो भाई क्या करेंगे, क्या उनके बिना मुकदमा चलेगा, उनको भी कोर्ट क्या कर देगी, डिफेंडेंट बनाकर जोड़ देगी। तो दे आर कॉल्ड एज नेसेसरी पार्टी, ठीक है। तो आज यही रोकते हैं क्योंकि मुझे जाना है, कल इसको कंप्लीट करेंगे। अरे फिर खाएंगे 15 मिनट।